लो थनकेबल में बना लिया मैंने इंस्टा स्टोरी सेवर का प्रोफेशनल ऐप। अगर आपको भी चाहिए इसकी AI तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र, आप देख लो प्रिया ट्रिक्स। आज का वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंस्टा स्टोरी सेवर का प्रोफेशनल ऐप की AI जो मैंने थनकेबल में बनाया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या फीचर है इसके, कैसे मैंने इसको बनाया है और कैसे इसको एडिट करना है। उसके बाद में आपको मैं इस वीडियो के बीच में कहीं पर दे दूंगा इस AI का लिंक, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि ये जो लिंक है AI का डिस्क्रिप्शन में नहीं है, ये वीडियो के बीच में ही कहीं पर छिपा हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करते हैं कि इस ऐप की कि किस तरह का ये ऐप है, कैसे वर्क करता है और प्रोफेशनल कितना लगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस ऐप में क्या क्या खास है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो इस ऐप में आपको ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। बिल्कुल इंस्टाग्राम का जो लेआउट है बिल्कुल वैसा ही चलेगा। मैंने बेसिकली यहाँ पे इंस्टाग्राम का वेब भी यूज़ किया है तो इंस्टाग्राम की तरह ये चलेगा। यहाँ पे आपको अपनी ID पासवर्ड डाल के यहाँ पे सिंपल सा लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद में आपको ये बिल्कुल इंस्टाग्राम की तरह दिखेगा, इंस्टाग्राम के जैसा ही लेआउट मिलेगा। और सबसे खास बात इसकी ये है कि जैसे हम इंस्टाग्राम जैसे वैसा तो ये चलेगा ही, लेकिन अगर हम इंस्टाग्राम की वेबसाइट किसी ब्राउजर में चलाते हैं तो आप हमको एक ऑप्शन मिलता है गेट ऐप का। इस तरह का यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, यानी बिल्कुल ही इंस्टाग्राम के ऐप की तरह ही ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, किसने आपकी एक्टिविटी क्या है, किसने लाइक किया, किसने डिसलाइक किया, या जो भी है एक्टिविटी वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके अलावा कुछ सर्च करना है वगैरह वो भी आप कर सकते हो। यानी कुल मिलाकर बात ये है कि बिल्कुल इंस्टाग्राम का जो ऐप है वैसा ही ये वर्क कर रहा है। अब हम बात करें जो मेन हाईलाइट है उसकी कि स्टोरी सेव कैसे होगी। तो मान लीजिए आप किसी भी स्टोरी पर क्लिक करते हो, किसी की स्टोरीज देखते हो, तो तभी आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लीजिए आप ऊपर जो स्टोरी आ रही है देखता हूँ, ठीक है। एक और खास बात, अगर आप वॉच ऑल स्टोरीज भी करते हो तो जिसकी स्टोरी आप करंटली देख रहे हो उसकी स्टोरी वहाँ से डाउनलोड होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे एंग्री प्रेस की स्टोरीज देख रहा हूँ, जिसकी स्टोरी देख रहा हूँ आप, देखिए आप डाउनलोड का बटन आ रहा है साइड पे। जैसे इस बटन पे क्लिक किया, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते ही ऊपर इंस्टा स्टोरी का जो है एक्शन बार आ गया और साथ ही में ये पेज जो है खुल के सामने आ गया, ठीक है। तो इस पेज में आपको सारी इंस्टा जो भी अभी जैसे मान लीजिए एंग्री प्रेस का पेज खुला हुआ है यहाँ पे, तो एंग्री प्रेस की जितनी भी स्टोरीज है वो सभी यहाँ पे शो हो रही है। तो आप वहाँ से सिंपल से किसी भी स्टोरी पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके उस स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये देख लीजिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है इस स्टोरी के नीचे, डाउनलोड पर क्लिक किया स्टोरी जो है हमारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारी स्टोरी एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो मैंने कई सारी स्टोरी डाउनलोड कर ली अभी, हम किसी भी स्टोरी पर क्लिक करते थे गैलरी में इस तरह से हमें ओपन होकर भी दिख जाएगी। यानी ऑटोमेटिकली जो सारी स्टोरीज अगर आप इसे डाउनलोड करते हो तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है ऐप, बहुत ही इजी भी है और प्रोफेशनल भी दिख रहा है अभी तो, ठीक है। तो इसकी AI को कैसे एडिट करना है ये हम अब देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो ये जो है मैंने बनाया इंस्टा स्टोरी सेवर का ऐप जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या क्या एडिट करना है। देख सकते हो बिल्कुल सिंपल सा लेआउट है और मैंने यहाँ पे एक वेब व्यू यूज़ किया, ठीक है। एक वेब व्यू यूज़ किया यहाँ पे मैंने और अच्छा कुछ छोटी सी मोटी चीज़ें यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ की वो है एक्सटेंडेड वेब व्यूअर, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा जो हमारी स्टोरी है उसको डाउनलोड करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सटेंडेड वेब व्यूअर यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नॉर्मल सी एक्शन बार यूज़ की है, उसके बाद नोटिफायर है यहाँ पे और दो जो है यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन है, ठीक है। तो डिजाइनिंग जो है इसकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जितना आपको चाहिए जैसा चाहिए आप कर सकते हो। मैं आपको मेन जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ ब्लॉक पार्ट, ठीक है। तो ब्लॉक पार्ट में क्या आपको एडिट करना है क्या एडिट नहीं करना है ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। उसके अलावा बाकी जो भी आप अपने हिसाब से खुद से एडिट कर सकते हो, और डिजाइनिंग तो जो है आप जितना अच्छा बना पाओगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। तो सिंपल था, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मैंने आप सिर्फ एक स्क्रीन यूज़ की है पूरे एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो आप भी अगर एक स्क्रीन में इसको बनाओगे तो बेहतर रहेगा, अगर बहुत सारी स्क्रीन आप ऐड करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जैसे कि आपका ऐप स्लो वर्क करेगा या फिर कुछ एरर्स भी शो हो सकती है। तो अब चलते हैं ब्लॉक पार्ट में और देख लेते हैं कि इसके ब्लॉक्स को आपको क्या क्या एडिट करना है, कितना एडिट करना है, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स पार्ट है और यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ एडिट नहीं करना है, सिंपल था। अगर आप चाहे कुछ डिजाइनिंग चेंज कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक्शन बार का कलर चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। उसके अलावा यहाँ पे आप जो बटन है वो कहीं विजिबल करने कहीं नहीं करने विजिबल वो आप चेंज कर सकते हो, और बाकी कुछ ज़्यादा जो है एक्सटेंडेड वेब व्यू है इसमें कुछ एडिट कर सकते हो थोड़ा बहुत करना चाहते हो तो। बाकी कुछ ज़्यादा एडिट करने जैसा मैंने यहाँ पे कुछ रखा नहीं है, सिंपल था। सब जो है डिजाइनिंग आपको डिजाइनर से ही करनी पड़ेगी, और ब्लॉक्स में आप सिर्फ जो इसका कलर चेंज कर सकते हो एक्शन बार का और कहाँ पे शो करना है कहाँ पे नहीं, और एक्शन बार में कुछ ऐड करना है जैसे कोई लिस्ट क्रिएट करनी है आपको यहाँ पे वो आप कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे ऐड की है, अगर आप कोई लिस्ट ऐड करना चाहते हो कोई ऑप्शन ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो, और अगर आप साइड बार ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली आपको पता है कि अगर हम इंस्टाग्राम की जो वेबसाइट है उसको हम फोन में किसी ब्राउजर में ओपन करते हैं, तो आपको ऊपर एक ऑप्शन आता है कि डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड इंस्टाग्राम ऐप, इस तरह का एक ऑप्शन हमको वहाँ शो होता है। तो मैंने जो यहाँ पे वेब व्यू यूज़ किया उसमें इस तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैंने कोई थोड़ा अलग वेब व्यू यहाँ पे यूज़ किया, थोड़ी अलग साइट यूज़ किया इंस्टाग्राम की, जिससे कि आपको ऊपर इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि डाउनलोड इंस्टाग्राम ऐप, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ और वेब वेबसाइट्स यूज़ किए जिसकी मदद से आप स्टोरी डाउनलोड कर पाते हो। और उसके अलावा जो आपको पता है कि जैसे कि हम ऐप ओपन करते हैं, ऐप ओपन करते ही हमको आपको ऊपर जो है एक्शन बार नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ ब्लॉक्स लगाए हैं, तो वो ब्लॉक्स आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। और मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा कोई छेड़खानी करें इस ब्लॉक पार्ट से, कोई ज़्यादा कोई छेड़खानी करें। बैनर जो है उसको आप जितना अच्छा बनाना चाहते हो आप बना सकते हो अपने हिसाब से। बैनर में मैंने यहाँ पे एक यूज़र नेम का लेबल यूज़ किया है, जिससे कि हम जिस भी यूज़र के स्टोरीज चेक कर रहे हैं, जिस भी यूज़र की स्टोरी देख रहे हैं, तो उसका यूज़र नेम हमें मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक स्पेस देने के लिए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यूज़ किया है, जो कि सही टाइम आने पर यूज़ होता है, बाकी हाइड हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा वेब व्यूअर है यहाँ पे, तो करंट यू आर एल का मैंने एक लेवल यूज़ किया, जैसे कि हमें करंट यू आर एल क्या है उसको पता चल सके। उसके अलावा मैंने होम यहाँ पे यूज़ किया, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है, जो कि आपको पता हो जब भी हम स्टोरी डाउनलोड करते हैं वापस शो होता है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक्सटेंडेड वेब व्यूअर यूज़ किया है, जिसकी मदद से हम स्टोरीज डाउनलोड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डाउनलोड का एक बटन है, ठीक है, फ्लोटिंग एक्शन बटन है, जिसकी मदद से हम स्टोरी डाउनलोड पेज पे जा सकते हैं, स्टोरी सीधी सिंपल स्टोरी से डाउनलोड पेज पे। नोटिफायर है यहाँ पे, जो कि दो जगह शो होता है, जब हम ऐप को एग्जिट करते हैं तब ये नोटिफायर शो होता है। उसके अलावा हम जब किसी भी पर्सन की स्टोरी डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर भी ये शो होता है कि अगर अकाउंट प्राइवेट है तो स्टोरी डाउनलोड नहीं होगी, और अकाउंट प्राइवेट नहीं है तो हम स्टोरी डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरीके का एक नोटिफायर भी यहाँ पे शो होता है। एक्शन बार है सिंपल था यहाँ पे, और क्लॉक पार्ट जो है यहाँ पे है, यानी क्लॉक इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया था कि जब हम एग्जिट करें तो डबल क्लिक पे हम एग्जिट कर सके। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्लॉक भी यूज़ किया है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ दो ही एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ किया मैंने, एक्शन बार का और एक्सटेंडेड वेब व्यूअर का। अब इसको आप जितना प्रोफेशनल बनाना चाहते हो, जैसा बनाना चाहते हो वैसा बनाइए, इसको एडिट कीजिए। तो गाइज आई होप आपको ये AI पसंद आई होगी, और इसी AI की मदद से आप भी इंस्टा स्टोरी सेवर का प्रोफेशनल ऐप बना के कुछ पैसे कमा सकते हो, प्ले स्टोर पर अपलोड भी इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको और भी यूनिक AI चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऑलरेडी दो AI ला चुका हूँ, एक ऑल इन वन व्हाट्सएप टूल की और साथ में एक व्हाट्सएप स्टेटस सेवर की भी। तो ये दोनों AI का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में ऊपर आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके ये दोनों वीडियो देख सकते हो अगर आप अभी तक नहीं देखी है तो। और वहाँ से आप इन दोनों AI को डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हो, प्रोफेशनल ऐप बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको और यूनिक AI चाहिए, बहुत सारे यूनिक AI चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पर अगर 150 लाइक्स आ गए तो व्हाट्सएप क्लीनर की जो AI मैंने कहा था वो अभी बन चुकी है, तो 150 लाइक्स आते ही वो AI भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा और भी कई सारे प्रोफेशनल AI मैं बना रहा हूँ, यूनिक AI बना रहा हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए, और 150 लाइक होने पर आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप क्लीनर की AI। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। नाचे कर रंग केसरिया लगवावेला।